रिसर्च पेपर का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना और उसको पब्लिकेशन के लिए देना। और कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन का मतलब होता है कि कॉन्फ्रेंस में आप उस पेपर को रिप्रेजेंट भी करोगे, आइदर पीपीटी के फॉर्म में या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे कॉलेज में होने जा रहा है 26-27 मई को, आप उसमें पेपर लिख सकते हैं। वो कैसे लिखोगे, क्या उसके स्टेप्स होंगे, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे और आप उसके आगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं लास्ट में और इजी तरीका ही बताऊंगी।
ठीक। अभी आपको लग रहा होगा कि हम साइंटिस्ट या इन्वेंटर तो है नहीं, पर इसका सिंपल वे भी बताऊंगी कि आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो आपको आगे तक का पता होना चाहिए, ठीक है। देर आर सिक्स मेजर बेसिक एलिमेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर। कभी भी आप चाहे कॉन्फ्रेंस के लिए लिख रहे हो, आप चाहे एमफिल के लिए लिख रहे हो, ये पूरा पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सारे ग्रुप्स में जाएगा। इवन आपका जब पीएचडी चलेगा, फाइनल पीएचडी पोस्ट डॉक, सभी में यही पॉइंट होंगे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं बदलता, ठीक है। ये सेवन पॉइंट ऐसे हैं जो आपके आखिरी तक काम आते हैं अप टू पोस्ट डॉक, पीएचडी के बाद भी डॉक्टरेट होती है उसके लिए। अब हम एक एक पॉइंट पे आते हैं। अभी तक का कुछ क्लियर पूछना है किसी को? क्लियर है सारा, ठीक है। अब एक एक पॉइंट पे करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? आप देखे होंगे कि सारे कॉन्फ्रेंस में ब्रोशर में लिखा रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट भेजने की डेट ये है, देन फुल पेपर भेजने की डेट ये है। तो एब्स्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर विच एक्सप्रेस द क्या आप करना चाह रहे हो, क्या आप बोलना चाह रहे हो, उसको आप एक पैराग्राफ में देते हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी भी स्टोरी का एक सारांश होता है ना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो स्टोरी नहीं है, ये आपका वर्क है। तो योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द पेपर पेपर स्टेट द प्रॉब्लम और द की इश्यूज, कैरी द रीडर थ्रू द रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट इट हैज फाउंड एंड व्हाट कंक्लूजन यू हैव रीच फ्रॉम दीज फाइंडिंग, कंटेन कीवर्ड्स टू योर मेथड एंड कंटेंट। इसका मतलब होता है कि आप पूरे पेपर में जो काम कर रहे हो उसको बताना है दो लाइन में कि मेरा काम ये है, ये मैंने, ये पहले होता था पर मैंने ऐसा किया है, ठीक है, और ये मेरा रिजल्ट है। ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। उसी में से जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब ऐसे शब्द जो स्पेसिफिक हो, जो उसमें बार बार आ रहे हो और उसका कोई मीनिंग निकलता हो, दैट इज कीवर्ड। उसको चार कीवर्ड, हमेशा पांच कीवर्ड से कम ही रहना चाहिए, 3 to 5। 10 कीवर्ड नहीं हो सकते, 8 कीवर्ड्स नहीं हो सकते। तो उसमें से हम 3-4 कीवर्ड्स निकाल लेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। वो हमारा पहला पार्ट होता है जिसको हम पेपर में सबसे पहले भेजते हैं। फुल पेपर हम बाद में भेजते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपने भेज दिया तो दैट क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया कि आप पेपर भेजना चाहते हो और ये आपके पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है। फिर आपके पास जो समय मिलता है उसमें आप पेपर लिखो, ठीक है। देखो नीचे क्या लिखा है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो तो पता चल गया, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टोटल आपका जो स्टडी है पूरा का पूरा वहां पे आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ एक लाइन में बताना है, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस आएंगे, ठीक। इवेल्युएट रिव्यू और डिफेंड द पेपर और योर पोजीशन, मतलब आपके पेपर को आपको डिफेंड नहीं करना है कि हाँ ये मैंने किया यही सही है, आपके पोजीशन को भी डिफेंड नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप इज इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट खत्म हुआ, अब हम आ गए इंट्रोडक्शन में कि हम बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। द इंट्रोडक्शन आंसर द क्वेश्चन व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 to 3 स्टेटमेंट दैट समराइज द आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स जो आपने लिखा है उसमें ऐसे कुछ स्टेटमेंट हो जो बताए कि आपने क्या किया है। पहले में तो आपने सुपरफिशियली बताया, पर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट की तुलना में। और इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पूरा का पूरा नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में पूरा पेपर का डिस्क्रिप्शन था एक पैराग्राफ में, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन में केवल इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है ये और क्यों मैंने लिया ये काम, क्या है और इस काम को मैंने क्यों लिया, ठीक है, और ये काम क्या का आगे इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि द फर्स्ट सेंटेंस शुड मेंशन द कोर कंटेंट ऑफ द पेपर व्हाइल द सेकंड शुड बी द बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट ऑफ द इश्यूज। जो आपका पहला स्टेटमेंट होगा कि पेपर क्या कहना चाह रहा है, कंटेंट क्या है उसका, वो बताएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बताएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कि क्यों हमने ऐसा लिया, क्यों हमने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया,
क्यों हमने ऑर्किड फ्लावर का प्लांट टिश्यू कल्चर लिया, इसके एडवांटेज क्या है, प्रीवियस वर्क क्या हुआ था इसमें, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं फॉर बीबीए स्टूडेंट, ठीक है, क्यों हम ग्रीन कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी क्या है, और आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका बैकग्राउंड, पहले तो क्या है कंटेंट आपके पेपर का, फिर बैकग्राउंड की क्यों ये कंटेंट हमने क्यों लिया, दैट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। यू मस्ट अवॉइड राइटिंग द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम हियर, पहले बताया मैंने आपको कि हमें बस इतना बताना है कि कंटेंट क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, पूरा प्रॉब्लम यहाँ नहीं बताना है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, थर्ड पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू। इन द सेक्शन यू मस्ट राइट द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड सॉल्यूशंस प्रपोज्ड इन डिफरेंट ऑथेंटिकेटेड पब्लिकेशन लाइक जर्नल्स, न्यूज आर्टिकल, प्रेस रिलीज, व्हाइट पेपर्स एटसेट्रा। क्या मीनिंग हुआ इसका? लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर से क्या समझते हो? किसी भी चीज के बारे में जो किसी ने कुछ लिख दिया, ऑथेंटिक चीज लिखा है, दैट इज लिटरेचर। अगर मैं बोलूं ताजमहल का लिटरेचर क्या है, ठीक है, तो आप नेट में सर्च मारोगे, देखोगे, किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ोगे कि इसको किसने बनाया, ये कैसे बना और उसके फीचर्स सारे, ठीक है, वो उसका लिटरेचर हुआ, ठीक है। और या किसी न्यूज़पेपर में आपने जो भी पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कोई चीज आती है तो भी ऑथेंटिक मानी जाती है कि हाँ भाई ये पब्लिश हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो हुआ आपका लिटरेचर। अब रिव्यू, लिटरेचर क्या हुआ ये समझाया मैंने, व्हाट इज रिव्यू, रिव्यू मतलब उसको देखना, बार बार देखना, किसको देखना। अब सबसे पहले हमने क्या बोला था, प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पर कुछ लिखना है अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, क्लियर, ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गया, ठीक। फिर मैंने उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया कि अभी तक का डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम हुआ था, क्या काम ऐसा होना चाहिए और वो फ्यूचर में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लियर, मेरा इंट्रोडक्शन बन गया। उसके तीन चार पॉइंट निकाल के मैंने कीवर्ड्स बना लिए, फिर सॉरी मेरा एब्स्ट्रैक्ट बन गया था वो, फिर मैंने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में कंटेंट लिखा कि बैकग्राउंड क्या था और करंट क्या है। फिर लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जब आपने अपने टॉपिक को डिसाइड कर लिया तो उससे मिलता जुलता टॉपिक आपको सर्च करना है, क्लियर है। आपको कम से कम पीएचडी के लिए तो हम लोग 50-150 पेपर सर्च करे थे, ठीक है, अराउंड 150 पेपर। सबसे पहले हमारा टॉपिक डिसाइड हो, सब्जेक्ट डिसाइड होता है कि मुझे डेटा माइनिंग में पेपर लिखना है या मुझे बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट टिश्यू कल्चर पे लिखना है, हमें मार्केटिंग पे अकाउंट पे लिखना है या केमिस्ट्री में लिखना है, हमें मेटल नॉन मेटल पे। टॉपिक मिलने के बाद उससे रिलेटेड हमको पेपर सर्च करने होते हैं। आजकल बहुत सारी फैसिलिटी है, इंटरनेट अवेलेबल है, पहले फैसिलिटी नहीं थी, आज से 30-40 साल पहले तो लाइब्रेरी का यूज किया जाता था, लाइब्रेरी में प्रिंटेड जर्नल्स अवेलेबल होते थे, उसको स्टडी की जाती थी कि कुछ पहले के जर्नल्स में क्या छपा है क्या नहीं है, बट अब चीजें बहुत ही इजी हो चुकी हैं, ठीक है। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पेपर आप लिख रहे हो तो मैं 150 नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट 10 पेपर, ये तो बहुत जरूरी है, मिनिमम 10 पेपर, मैक्सिमम 15 आप लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, तो वो 20 पेपर के टॉपिक आप सर्च मारोगे। कीवर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए सर्चिंग के लिए, यह हमेशा ध्यान रखना कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है बट आप सर्च नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको सर्चिंग कीवर्ड्स अच्छे से नहीं आता, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक, जैसे आप लोग का लेते हैं, मुझे आप लोग के टॉपिक्स क्लियर नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग बोल रही हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको कुछ पेपर सर्च करने हैं तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे सर्च इंजन पे, कि रिसर्च पेपर ऑन डिजिटल मार्केटिंग, केवल डिजिटल मार्केटिंग कर दोगे तो नोट्स टाइप का आ जाएगा, फिर आप ब्रैकेट में या कॉमा करके आप लिख दो पीडीएफ, या पब्लिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या पेपर पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, जर्नल पब्लिकेशन, अलग अलग कीवर्ड्स डाल के सर्च करना है, कभी रिसर्च लिखना है, कभी जर्नल लिखना है, कभी कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है, बट आप उसका पीडीएफ निकालेंगे, बाकी चीजें सर्च करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
तो आप किसी जैसे ऐसा करके आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले एक फोल्डर बना लो, ठीक है, लैपटॉप में एक फोल्डर बनाओ, कॉन्फ्रेंस उसमें नाम दो, एक टॉपिक नाम दे दो जो आपने डिसाइड किया है, फिर आपने सर्च करना चालू किया, आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा मिलता पेपर है क्योंकि उस समय पढ़ तो पा नहीं रहे हो, आप उसको सेव कर लो, फोल्डर में डाल दो, ऐसे करके रिलेवेंट 10 पेपर्स आप अपने फोल्डर में सेव कर लो, क्लियर। फिर उसके बाद आपका स्टडी चालू होगा, फिर आप पढ़िए, सारा पेपर खुलेगा वो एक एक करके, एक पेपर खोलो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो कि हाँ इसने ये काम बोला है, इसने ये काम किया है, मेथोडोलॉजी क्या यूज करी है। आप ऐसे देखो, जब आप पूरे 10 पेपर देख लोगे तो आप पाओगे कि आपने जो 10 किया है वो सारे रिलेवेंट नहीं थे, है ना, क्योंकि आपने सेव तो कर लिया उसका टाइटल देखकर, पर आप जब स्टडी करोगे तो देखोगे कि 10 के काम का नहीं, आपके 3 या 4 आपके काम का निकलेगा, ठीक। उस 3-4 की अगर प्रिंट आउट ले सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ चीजें हमें सॉफ्ट कॉपी में समझ में नहीं आती। जब भी हमें किसी का क्लियर वर्जन चाहिए रहता है तो हम उसकी हार्ड कॉपी सामने रखते हैं, ठीक है। तो आपको अपने 4 पेपर रिलेवेंट मिल गए तो उस 4 पेपर की आप हार्ड कॉपी ले लो, पेपर प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। फिर आप उसमें अंडरलाइन चालू करना चालू करो कि हाँ ये मेरा टॉपिक है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रीवियस वर्क ये था और मेरा वर्क ये रहेगा, मैं इस पे काम करूंगी या लिखूंगी जैसा भी है। दैट इज लिटरेचर सर्वे, इसको सर्वे या रिव्यू कुछ भी बोल सकते हैं, लिटरेचर स्टडी, लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर रिव्यू। सर्वे का मतलब जैसे मैंने आपको बताया आपने 150 पेपर देखा, 150 में 100 निकाला, 100 में से 50 किया, उस आप कुछ रिव्यू कर रहे हो ना, बार बार देख रहे हो तब आप टॉपिक के नियरेस्ट पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ लिटरेचर रिव्यू। उसको लिखना कैसा है पेपर, फाइनली मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ बताया कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, मेन पार्ट होता है आपका मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मतलब कि आपने उस वर्क को करने के लिए कौन सा मैथड यूज किया, क्लियर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर वेयर यू नीड टू राइट योर ओन अजम्पशन एंड मैथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यू शुड डेडिकेट अबाउट 3 to 4 स्टेटमेंट टू योर मैथडोलॉजी सेक्शन कि हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको हमें कम से कम ये 4 बातें उसमें कवर करनी चाहिए। हाउ द रिसर्च वॉज डिजाइंड, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी का मतलब होता है डेटा सेट। डेटा सेट मतलब आप कॉमर्स पे आ जाते हैं, सब सारे सब्जेक्ट पे जा सकते हैं, कॉमर्स लाइक कॉमर्स पे एक सर्वे हो रहा है, ठीक है। कॉमर्स का एक टॉपिक है कि रूरल एरिया में फीमेल कितना बैंक अकाउंट ओपन करती है, ठीक, एक सर्वे है। आप लोग प्रोजेक्ट भी करते हो कि हम कम से कम 3 गांव को, 3 विलेज को पकड़ लिए और हर एक घर में गए, एक सर्वे फॉर्म रहा, ठीक है, और हमने पूछा कि आपके घर का जो बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है वो आपके नाम का है कि आपके नाम का नहीं है। तो 3 विलेज में, एक एक विलेज में अगर 50-50 घर है तो हम 150 घर में गए, 150 घर का सर्वे किया और हमने पाया कि उसमें से 100 महिलाएं ऐसी थी जिनका खुद का एक अकाउंट था, तो हमारा पॉपुलेशन या डेटा सेट क्या हुआ 100। अगर ये 500 हुआ तो डेटा सेट क्या हुआ 500। उस 500 पे फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये 500 लोगों का मैंने रिव्यू लिया या 500 लोगों का मैंने सर्वे किया, फिर आगे का मेथोडोलॉजी उसमें यूज होता है, स्टैटिक्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके कई आजकल सॉफ्टवेयर भी होते हैं स्टैटिक्स के लिए, तो उसका भी यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, या फिर उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, एक्सेल माइनर सबसे सिंपल है उससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो पॉपुलेशन का मतलब वो होता है कि कितने डेटा सेट पे आप काम कर रहे हैं, और ऑलवेज जो डेटा सेट होते हैं वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डेटा सेट क्यों ज्यादा होना चाहिए, अगर मैं किसी चीज का फीडबैक ही समझ लो, आपकी क्लास में पूछ रही हूँ, मैंने 2 बच्चों से पूछ लिया पढ़ाई ठीक चल रही है क्या, तो बच्चे बोले हाँ ठीक चल रही है, हो सकता है बच्चा साल में 2 ही दिन आता हो और उसी दिन आया, ठीक है। तो अगर 100 की क्लास है और 90 से मैंने फीडबैक लिया तो कहीं ना कहीं सही फीडबैक आएगा, तो डेटा सेट ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। और वो जो डेटा सेट आपने कलेक्ट किया दैट इज ट्रेनिंग डेटा सेट, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट। 2 टाइप के डेटा सेट होते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्ट, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब जिसपे ऑलरेडी हम ये दिखाएंगे कि ये काम हुआ है, और टेस्ट मतलब कि ये डेटा सेट ऐसा होगा और इसका ये रिजल्ट आएगा, वो आपका टेस्ट डेटा सेट होगा। एग्जाम्पल बाद में लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, मेथोडोलॉजी आपने लगा दिया कि ये फॉर्मूला भाई लगेगा,
ये केमिकल एनालिसिस लगेगी, ये टेक्नोलॉजी लगेगी, उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आया। मेथोडोलॉजी तो लग गई, उसका एनालिसिस क्या हुआ कि हमने ये लिया तो हमारा रिजल्ट ये आया, ये एनालाइज किया हमने, तो एनालिसिस एंड रिजल्ट को आप कंबाइन भी लिख सकते हो, चाहे वो टेबुलर फॉर्म पे आप बना सकते हो या पैराग्राफ के फॉर्म पे बना सकते हो कि हमने ये यूज किया तो ये एनालिसिस हुआ और ये हमारा रिजल्ट आया। सब लोग अपने अपने फील्ड से ना कोरिलेट करके सोच रहे हो ना, है ना, कि मैं अगर ये टॉपिक लूंगी तो उसका एनालिसिस क्या होगा, तभी आप क्वेरी कर पाओगे, नहीं तो आप सुन के खत्म हो जाएगा यहीं पर, है ना। जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट पे जाओ और अपने सब्जेक्ट का दिमाग में सोचो कि हाँ मेरा एनालिसिस क्या होगा, मैं इसमें क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगी। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस में पेपर का वो पार्ट होता है जो हमारी फाइंडिंग्स होती है, एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर द रिजल्ट विथ अदर्स। आपने क्या फाइंड किया और ये रिजल्ट किसी वेल रिनॉन्ड रिजल्ट से हम कंपेयर करते हैं। जैसे साइंस में ही ले थी हमने, ये दो केमिकल मिला के तीसरा केमिकल बनाया या सब्सटेंस बनाया, ठीक है, और पहले ये मिलकर ये बनता था, तो ये आपकी फाइंडिंग था। और कंपेयर आपने किससे किया, जो वेल नोन है, किसी साइंटिस्ट ने पहले से ही बना दिया है, उससे हमने कंपेयर किया, उसकी वैलिडिटी आई है मान लो 100%। मेरे कंपेयर करने के बाद वैलिडिटी अगर उसकी मेरी 50% से ज्यादा आ रही है तो मेरा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और वो आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी फाइंडिंग और हमारा कंपेयरिंग जो है वो 50% से लेस आता है तो एक्सपेरिमेंट को फिर से करने पड़ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कंपेयर करने के बाद आपका रिजल्ट 50% अबव आना चाहिए। आप ग्रामर चेकर का यूज कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये भी वही पार्ट है कि आपका फाइंडिंग्स जो मिल गया, द रिजल्ट सेक्शन आल्सो नोन एज फाइंडिंग इज द क्लाइमेक्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। इन एडिशन द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन द पास्ट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन, द रिजल्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन द पास्ट टेंस। इसमें बहुत सारे रिसर्चर भी होते हैं, जो स्कॉलर्स भी होते हैं, वो भी ये गलती करते हैं क्योंकि आपने रिजल्ट तब लिख रहे हो जब आप कर चुके हो, तो आप उसमें टेंस का अगर यूज कर देते हो कि आई एम डूइंग, है ना, ये काम हो रहा है, होगा, है ना, ये नहीं, हो रहा है, होगा नहीं, हो गया, पास्ट टेंस, तभी तो आपके पास रिजल्ट आया। अगर काम नहीं हुआ तो कैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है। वेल, इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द मेथड यू हैव यूज एंड द अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव जनरेटेड। इट शुड नेवर मेंशन एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टडी और व्हाट यू योरसेल्फ हैव फाउंड। मतलब आपने स्टडी करके जो पाया आपको केवल वही लिखना है, उसमें कुछ इधर उधर किस दूसरे ने ये पाया तो मैं लिखू, वो सब काम ऊपर हो चुका कि दूसरे ने क्या पाया लिटरेचर सर्वे में। अपने रिजल्ट डिस्कशन में केवल अपना रिजल्ट डिस्कशन और किसी का नहीं, ठीक है। कंक्लूजन, द कंक्लूजन इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का आखिरी भाग होगा कंक्लूजन, कि दिस सेक्शन इंटरप्रेट्स व्हाट यू हैव फाउंड इन द प्रीवियस सेक्शन एंड द स्टेट द ओवरऑल इम्प्लीकेशन ऑफ योर रिजल्ट। द कंक्लूजन डिस्क्राइब व्हाट दिस फाइंडिंग मीन्स फॉर द लॉन्ग टर्म और द फील्ड इन क्वेश्चन। इट कैन ऑल्सो कंटेन योर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द योर फाइंडिंग्स। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा कंक्लूजन का, कि ये इस पे हमने काम किया, ये हमारा फाइंडिंग्स था, और फ्यूचर स्कोप भी आप इसमें डाल सकते हो। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब सुझाव, ठीक है, कि ये ऐसा है तो इसमें हम ये रूल लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, तो हमें इसको यूज करना चाहिए, दैट इज रिकमेंडेशन, ठीक है। जैसे आपका कोई वर्क है कि प्रिडिक्शन, मेरा ही वर्क था, इसलिए मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि प्रिडिक्शन ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसपे मैंने काम किया था कि अभी जैसे आप ही लोग फाइनल ईयर में हो, ठीक, और आपके एग्जाम्स आज से 6 महीने बाद होने वाले हैं, ठीक, और आप 1 महीना पढ़ाई कर चुके हो, 1.5 महीने कुछ आपने एग्जाम्स दिया, तो मैं क्या एनालिसिस करूं कि भाई फाइनल सेमेस्टर में, एंड सेमेस्टर में या एंड एनुअल एग्जाम में जो बच्चा बैठ रहा है वो पास होगा कि फेल होगा। मतलब वो एबो रिस्क है कि एट रिस्क है। एबो रिस्क मतलब पास होने की स्थिति में है, एट रिस्क मतलब थोड़ा सा रिस्क है कि रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है,
ये एक प्रिडिक्शन कहलाता है। डेटा माइनिंग आप लोग पढ़ रहे हो, डेटा माइनिंग का एक पार्ट है, एक टेक्निक है प्रिडिक्शन, अनुमान, अनुमान लगाना, ठीक है। तो उसके लिए हमने डेटा सेट लिया था कि पिछले 3 साल के बच्चे सेम क्लास के, ठीक है। मान लो बीसीए पे मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो बीसीए के पिछले 3 साल के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट क्या था, उसके लिए आपको कोई फीचर सेट करना पड़ेगा, जैसे उनके क्लास की अटेंडेंस, उनके इंटरनल के मार्क्स, उनका मीडियम, ठीक है, उनके 12वीं के मार्क्स और कुछ उसको आप फीचर्स को और बढ़ा सकते हो। तो मैंने जब क्लिक किया था तो पहले 4 फीचर लिया, फिर 6 लिया, फिर 9 एट्रीब्यूट भी बोलते हैं उसको, पहले 4 एट्रीब्यूट पे टेस्ट किया, फिर 6 पे किया, फिर 9 एट्रीब्यूट पे टेस्ट किया कि भाई अटेंडेंस जिस बच्चे की नींद आ रहा है, चलो अलर्ट, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, लगेगा तो बता देना, ठीक है। तो जिस बच्चे की अटेंडेंस उस समय अच्छी थी, इसका इंटरनल मार्क्स अच्छा था, ठीक है, इसकी बाकी चीजें अच्छी थी, तो उसका हम रिजल्ट देखते हैं कि हाँ ये पास था। ऐसे करके मैंने 500 बच्चों का रिजल्ट एक निकाला, चारों एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। ये कौन से डेटा हुए? ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा का सब कुछ मुझे पता है कि कितने दिन कॉलेज आया था, एक कॉलम में वो लिख लिया, उसके 12वीं के रिजल्ट क्या थे ये लिख लिया, उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या था वो लिख लिया, उसका बैकग्राउंड क्या था वो लिख लिया, ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स क्या मिली मुझे, पास या फेल, दिस इज ट्रेनिंग डेटा सेट। अब टेस्ट डेटा सेट क्या होगा? जो अभी करंट में एग्जाम देने वाले हैं, वो 60 बच्चे जो अभी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं 6 महीने बाद, ये पास होंगे कि फेल होंगे, अब मुझे इस पर एनालिसिस करनी है, मेरा टेस्ट डेटा होगा। तो ट्रेनिंग और टेस्ट को जब हम कंबाइन करके उस पर एनालिसिस लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, फिर हम निकाले कि हाँ ये एबोरिस्क है, ये एड्रिस्क है। पर उसके एड्रिस्क में फिर हम गए कि ये फेल क्यों होने वाला है, तो हमने देखा इसकी अटेंडेंस कम है, ठीक है, इसके इंटरनल मार्क्स कम है, ठीक है, इसका मीडियम हिंदी मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर इसकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारी चीज ठीक हो जाएगी, उसके इंटरनल मार्क्स ठीक हो जाएंगे, तो ये उसका क्या हो गया, रिकमेंडेशन। इफ स्टूडेंट वन S1 इम्प्रूव देयर अटेंडेंस देन इट शुड बी ऑन एबोरिस्क लेवल, ठीक है, अगर वो अपना अटेंडेंस इम्प्रूव कर लेगा तो वो एबोरिस्क हो सकता है, अगर वो अपने असाइनमेंट्स को इम्प्रूव कर लेगा तो वो एबोरिस्क हो सकता है। ये क्या हुआ? रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि कंक्लूजन में रिकमेंडेशन पार्ट भी होता है, ठीक है। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने किस किस बुक से, किस किस जर्नल से या कहाँ कहाँ से चीजों को लिया, उसको आप उसमें रेफरेंस में डालते हो। कैसे डालते हो हम दिखाएंगे, ठीक है। देखो अभी तक का मैंने जो बताया था वो कुछ करने के बाद लिखने वाला पेपर था। देखिए कि आपने कुछ किया, लैब में किया, कंप्यूटर में कुछ इनोवेशन किया, कुछ प्रोग्रामिंग की कोडिंग करी, या आपने कुछ ऐसा एक मॉडल बनाया कॉमर्स में, ठीक है, तो इस टाइप से पेपर को आपको लिखना है। पर क्योंकि आप अभी कुछ बच्चे हो सकता है इसमें ऐसा लिख ले लाइक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले, एमएससी केमिस्ट्री वाले, ठीक है, क्योंकि उन लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं रोज उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। पर कंप्यूटर में भी बहुत आसान नहीं होता कि कोडिंग कर लिए, इतनी आसान कोडिंग नहीं होती है, बहुत समय लगता है, ठीक है। तो अभी हमको इनिशियल खर्चे को, तो अभी तक डराने वाला काम था कि डर लग रहा था कि अब हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन देने के बाद आप लोग विड्रॉ भी कर लो कि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मे भी ऐसा चल भी रहा होगा कि कहाँ से मेथोडोलॉजी लाएंगे, बता रहे थे कि वो वाला जो मेथड है वो मेथड तो सब में यूज होगा, बट क्योंकि आप बिगनर्स हो और अभी आप कुछ ग्रेजुएशन में भी हो और पीजी में पढ़ रहे हो, अब हम एक ऐसे पेपर पे आते हैं जिसको लिखना आपके लिए आसान होगा, दैट इज सर्वे पेपर, ठीक है।
ठीक है। सर्वे पेपर का मतलब होता है कि आप अभी तक की जितने स्टडी हुई है, आप पहले टॉपिक डिसाइड कर लो, प्रॉब्लम डेफिनेशन तो वही होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप डिसाइड करोगे कि मैं किस में टॉपिक खोजूं, एट्रेंडम खोजूंगा तो आपका 4 दिन निकल जाएगा खोजने में, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस पे काम करने वाला हूँ या मैं सर्वे पेपर किस पे लिखने वाली हूँ, ठीक है। एक एरिया डिफाइन कर लो, एरिया डिफाइन करने के बाद लिटरेचर सर्वे वाला भी काम कर लो। आपने 10 पेपर निकाल लिए, 5 पेपर आपके नियरेस्ट हो गए, ठीक है। हाँ, सर्वे पेपर में आपको 10-5 से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अराउंड 50 पेपर आपको अपने टॉपिक के सेव करने पड़ेंगे सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। 50 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 50 पेपर पढ़ने के बाद कम से कम 20 पेपर आपको रिलेवेंट होंगे, 30 को हटा दो आप, 20 पेपर्स आपके टॉपिक के नियरेस्ट होंगे। अब आप बताओगे कि इन 20 साइंटिस्ट ने इस बारे में अपना क्या व्यू दिया। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे को बताया ना, गांव का एग्जांपल दिया, तो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करे ना, तो घर घर डेटा कलेक्ट करने के बजाय वो तो एक दूसरा तरीका हुआ, फिजिकल सर्वे हुआ, ठीक है। ऑनलाइन सर्वे में हमने देखा कि अगर मेरा टॉपिक सपोज नॉर्मलाइजेशन पे हम बात करें, है ना, कंप्यूटर का टॉपिक है, ठीक है, या डेटा माइनिंग पे बात करें, प्रेडिक्शन पे, तो ये 20 साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया और 20 साइंटिस्ट के काम को आपको समराइज करके लिखना है, दैट इज सर्वे। और कुछ नहीं करना, कोई आपका इनोवेशन नहीं हो सकता, ये इजी है, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हो, है ना। तो कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक्सेप्टेबल पेपर है, और इवन अच्छे अच्छे जर्नल में भी अगर आपने अच्छे तरीके से उसको समराइज किया अपने सर्वे पेपर को, तो बहुत अच्छे से वो पब्लिश होता है, ठीक है, स्कोपस में भी होता है और बड़े बड़े जर्नल्स में भी होता है। तो आपके कॉन्फ्रेंस लेवल के लिए आप सर्वे पेपर लिखो, और कुछ बच्चे जो टीचर के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, किसी पर रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च पेपर आप लिखो, इनोवेशन से रिलेटेड, बायोटेक वाले बच्चे, केमिस्ट्री वाले बच्चे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग सर्वे लिखो, अगर कोई काम पे कर सकता है, आप टीचर, आपके पीएचडी वाले टीचर है वो गाइड करेंगे, तो उस पे लिखो, ठीक है। जैसे सर्वे पेपर क्या होता है, राइट अ गुड सर्वे पेपर, यू नीड टू रिसर्च द रिप्रेजेंटेटिव पेपर, कम अप विद अ टाइटल, अ गुड एब्स्ट्रैक्ट एंड राइटिंग द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड कंक्लूजन दैट रिफ्लेक्ट द फाइंडिंग एज वेल एज द चैलेंजेस ऑफ द स्टडी। वही सब चीज होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द पेपर होगा, और फाइनली आप उसको बताओगे कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें आए। जब भी हम सर्वे करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको विलेज वाला दिया, उसमें भी चैलेंजेस आएगा कि हम घर घर गए, पर उसमें कई बार होगा कि सामने वाले ने आपको सही जानकारी नहीं दी, उसके वाइफ का अकाउंट था, पर क्योंकि ड्यू टू इलिटरेसी उसको पता नहीं था कि हो सकता है आजकल वो मैसेजेस आ रहे हैं कि फ्रॉड से बचे, तो वो भी आपको फ्रॉड समझ लिया, और उसने अकाउंट नंबर तो दूर की बात है, उसने ये भी नहीं बताया कि हाँ इसका एक अकाउंट है, दैट इज चैलेंजेस, ठीक है। तो हम उसको चैलेंजेस को भी अपने कंक्लूजन में कवर करते हैं सर्वे पेपर के। ये उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव पेपर, आप किस पे काम करना चाह रहे हो वैसे पेपर को पहले सेलेक्ट करो, ठीक है। कमिंग अप विद एप्रोप्रिएट टाइटल, आप उसका अपने पेपर का टाइटल क्या रखोगी वो टाइटल डिसाइड करो। कई बार हमारा आखिर लिखते लिखते टाइटल चेंज भी हो जाता है, पर एक टाइटल आप सोच के रखो, जब फाइनल पेपर हो जाएगा तो उस टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हो। क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, लिस्टिंग की टर्म्स, राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया इधर। प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट अप्रोचेस यूज इन द सर्वे पेपर, ये कौन सा पार्ट होगा बताओ, जो हमने स्टार्टिंग में 7 पॉइंट्स लिखे, ये पॉइंट उसके कौन से पॉइंट से मैच कर रहा है, और कुछ पढ़ो क्या लिखा है, जो वहां पे मेथोडोलॉजी था वो यहाँ पे बस बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग द अप्रोचेस यूज इन द सर्वे पेपर, कि आपने कौन सी अप्रोच लगाए उस सर्वे पेपर के लिए, कॉन्सेप्ट आपकी पहुंच कहाँ तक थी, कैसे करे, समझ रहे हो क्या, आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं करना है, बस अप्रोचेस बताना है। हाँ, तो ये हमारा फाइनल हो गया कि पेपर को कैसे लिखना है, कौन से 7 पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट में क्या लिखा जाता है, और क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो हम सर्वे पेपर लिख सकते हैं, या हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, लैब में कोई काम कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टीचर आप एक
रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें मैंने कवर किया है, सम टॉपिक्स रिलेटेड विद द रिसर्च, जैसे कॉमर्स वालों के लिए डिमोनेटाइजेशन, अबून और बेन, ठीक है, बैन, चेंजिंग बिहेवियर ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो चार ही टॉपिक मैंने डाले हैं इसमें, वैसे आपको हजारों टॉपिक मिलेंगे अगर आप सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज मैनेजमेंट, वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम, वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्क फ्लो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन, सर्वे ऑन सोशल मीडिया अमंग स्टूडेंट। ठीक है, डेली मैं इसमें काम कर, पेपर को कंप्लीट करो, ठीक है, आधा काम करी हो तुम, पूरा काम करके इसमें डालो। ठीक है, ये वाला टॉपिक नीली मैंने लिया था कि सर्वे ऑन सोशल मीडिया अमंग स्टूडेंट, एक पेपर एक फॉर्म मैंने उसको डिजाइन करवा दिया था, वो सारे टीचरों से पूछे कि आपका कोविड से पहले बच्चों का बिहेवियर कैसा था और आफ्टर कोविड क्या उसमें कोई चेंज आया है, तो टीचरों के व्यू को लेकर उस पर एनालिसिस है। ठीक है, अभी एक सर्वे हुआ, तो ऐसे आप बहुत सारे, वो तो टीचरों से पूछा गया था, आप एक स्टूडेंट के लिए फॉर्म बना सकती हो, स्टूडेंट तो आपकी क्लास में ही है, आप अगर 50 बच्चों का भी व्यू ले लिए तो आप पेपर लिख सकते हो उसमें। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड था ये, कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर असिस्टेड एजुकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक वाले भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे लिख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये मत सोचो कि देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टार्टिंग वाला जो था वो कुछ रिसर्च से रिलेटेड था, बट आप सर्वे पेपर तो इजिली लिख सकते हो, आपको बस अपने चीजों को वो 7 पॉइंट्स में अरेंज करना है। ठीक है, आपके ब्रोशर में दिया हुआ है कि वर्ड में आपको कितना फॉन्ट साइज लेना है, फॉन्ट टाइप क्या लेना है, आप डेली आप एक पैराग्राफ भी लिखोगे, मैं बता रही हूँ 1 वीक में आप एक पेपर का फ्रेम तैयार कर लोगे, अपने टीचर को दिखाओ, आप मुझे दिखा सकते हो किसको और मैं कैसे ऐड करूंगी, और आपका एक प्रेजेंटेबल पेपर विद इन 10 डेज बन जाएगा। और अगर आज आप आज से लिखना चालू करते हो, और ये आपके लिए अचीवमेंट होगा, हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए चांसेस है, हमारे लिए अचीवमेंट तो ये होगा कि हाँ मेरे बच्चे लिखे, हमारे स्टूडेंट्स लिखे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी उनका पेपर पब्लिकेशन है। और ये अपॉर्चुनिटी समझते समझते बहुत देर हो जाती है, हम लोग के टाइम पे ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं था, एमएससी लेवल पे हम जानते भी नहीं थे, एक बार पीएचडी में आने के बाद भी बहुत देर से जाने कि पेपर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।